नमस्कार। कविता कारवां के इस मंच का धन्यवाद जिसने मुझे ये अवसर दिया। हिंदी कविता का संसार इतना विपुल है, इतना बड़ा है कि उनमें कुछ कविताओं को छांटना बहुत आसान काम नहीं है। अक्सर हम छांटते हैं उससे कई गुना ज़्यादा छोड़ देते हैं, तो आज लगभग यही मेरे साथ हुआ। एक कविता मैं कुमार अंबुज की मैंने चुनी है, क्रूरता। क्रूरता, धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, प्रेम की आकांक्षा, बेचैनी और खो देने की पीड़ा। अभी मुझे अचानक ख्याल आया कि थोड़ी देर पहले श्रीकांत वर्मा की पंक्ति हमने पढ़ी थी कि पाने की विकलता और न पाने का दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर ज़रूरत में रह जाएगी, डर जाएगी पानी की, झर जाएगी पानी की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। एक अनंत प्रतियोगिता, क्रोध अकेला न होगा वह संगठित हो जाएगा, एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित न हो, एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित न होने के लिए नहीं अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर ज़रूरत में रह जाएगी, झर जाएगी पानी की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला न होगा वह संगठित हो जाएगा, एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित न होने के लिए नहीं अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। तब आएगी क्रूरता, पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में। तब आएगी क्रूरता, पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में। फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगा विलाप, दूसरी मृत्यु थाम लेगी, पहली मृत्यु से उपजे आंसू। सांत्वना नहीं, तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को, फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी। बंद कर दूंगा। तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को, फिर वह चेहरे पर भी दिखेगी लेकिन अलग से पहचानी न जाएगी। सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता और सभी में होगा गौरव भाव। वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी न होगा। कोशिश सिर्फ ये होगी ऐतिहासिक हो, वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। यही ज़्यादा संभव है कि वह आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना। ख़त्म करते हुए मुझे यह एहसास बार बार है कि हमने बहुत सारे कवियों को छोड़ा जिनको मैं पढ़ना चाहता था, जिन कविताएं सुनना चाहता था, लेकिन सिलसिला जारी रहेगा। कविता कारवां के दोस्त इसको आगे बढ़ाएंगे, दूसरे कवि इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए कविता कारवां का धन्यवाद करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।